आपके बारे में सुने है कि आप पहले पहलवान थे है ये पहलवान अभी भी आज पहलवान है आज भी पहलवान है।, है पहले भी पहलवान थे आज भी पहलवान है।, है अच्छा हाँ। आज भी लड़ते हैं आज हाँ। भी लड़ेंगे वो साथी जो मुखिया जी है वो बताए थे मुखिया जी के लड़ाते थे <laughs> उनको भी लड़ाते मुखिया जी के लड़ाते थे हाँ ये है अच्छा ए सी में अगर आप लोग को सुला दिया जाए तो नींद आएगा नहीं सुतेंगे नेंगे नही सुधेगे पेड़ तो सुने एसी में नहीं, रहे, नहीं, नहीं रहेंगे रहेंगे नहीं कूलर में में भी नहीं रहेंगे रहेंगे कूलर में भी नहीं ये बताइए कि अब तक आप कपड़ा के कौन कौन सा ब्रांड के नाम जानते हैं कपड़ा का ब्रांड कोई नाम नहीं कपड़ा के जाना है वो सूती के कपड़ा जाना सूती के कपड़ा जानते हैं अभी हम एक गाँव में आए हुए हैं और गाँव में पेड़ के नीचे छाव में बैठे हुए हैं और ये देसी एसी के बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पर आप देखिए कि जितने लोग दिख रहे हैं गंजी पहने हुए हैं और कोई तो कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं ये है अपने देश की गांव की माटी की खुशबू जिसको आज मैं दिखलाने वाला हूं और यहां के लोगों से बातचीत करूंगा पहले के जमाने की बात करूंगा और अब के जमाने के बारे में बातचीत करूंगा। आज हम लोग ए और कूलर में रहने पर मजबूर हो गए हैं और रहते हैं लेकिन ये लोग जो हैं अभी भी गांव के पेड़ के छाँव में रहते हैं आप देखिए कि दादा बैठे हुए हैं पेड़ के कुर्सी जैसा बना करके समझे कुर्सी समझ करके बैठे हुए हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं बगल में आ, ये जनप्रतिनिधि हैं मुखिया पति है इंदुभूषण प्रसाद नाम है इनका जो हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी गांव के लोग हैं इन लोग से जानेंगे एक जमाने में ये जो दिख रहे हैं ये लोग ये सभी लोग हीरो थे जैसे आप लोग फिल्मों में देखते हैं सभी लोग अपने आप में एक बहुत स्टार थे तो इन लोग से बातचीत करेंगे और आगे आप लोग हमारे साथ बने रहे तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है एक साथ बोलिएगा धन्यवाद 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 बोल रहे हैं थोड़ा हम खड़े होकर के बारी बारी सब लोग से बातचीत करेंगे आप भी इधर आइए तो हमारे साथ ये मौजूद है सबसे पहले इनके बारे में हम बातचीत करेंगे क्या नाम हुआ आपका दीरपाल दीरपाल पासवान पासवान अभी क्या करते हैं अभी हम मजदूरी करते हैं सर मजदूरी करते हैं मजदूरी में कौन सा मजदूरी करते हैं कई प्रकार के मजदूरी खेती की रहती ने अच्छा, खेती गृहस्थी जी अच्छा, आपका क्या नाम हुआ हमारा नाम रामनाथ पासवान रामनाथ पासवान हुआ आप क्या करते हैं खेती खेती करते हैं अच्छा शुरू से ही खेती करते आ रहे हैं अच्छा आप लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं की नहीं थोड़ा बहुत आप कलम 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 ना एक को कलम ना <laughs> में पढ़ने नहीं किए देखिए गांव के भाषा यही होता है एक को कलम ना अच्छा आपका क्या नाम होगा कि नौवीं पास है दसवा में गए पास नहीं कर पाए है ना आ, आ, पहले नॉन मैट्रिक का भी बहुत बड़ा वैल्यू होता था कि नहीं है पहले जो नॉन मैट्रिक कर लेता था उसका जो है बहुत लोग मानते थे मुखिया जी से भी बातचीत करेंगे इनका भी

इनका जो माहौल या कार्यकलाप को देख करके हम लोग अति खुशे हैं ये तो अपने घर से भी लग करके आप लोग के लिए कुछ कुछ कर देते हैं आ, तो आप ऊपर तो ऊपर सरकार के बारे में बताइए वो लोग क्या कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट के बारे में दोनों के बारे में तो बता दीजिए अब बात है सर बात एक हम आपको बताते हैं सरकार की ओर से तो कोई मतलब की कमी नहीं है कोई कमी नहीं है लेकिन जो बीच में बिचौलिया है सर माने वो में अपर क्लास के बिचौलिया हाँ। और का यहाँ डहटवा वाला सर है हाँ। वही लोग ज़्यादा हम लोगों को परेशान करता है आपको कोई चाहिए यहाँ तो कोई मतलब कि मान के कि अलॉटमेंट होता है कोई सामान दिन के नाम से हाँ। या किसी तरह का प्रिफ्रेंस मिलता है हम लोगों का हाँ, हाँ। वह आते आते समझिए कि वो ख़त्म हो जाता है हाँ। पूरा, पूरा पूरा उसका मतलब कि हम लोग को भोग नहीं कर पाते हैं हाँ ये बात सत है सर बात बोल रहे हैं और एक कोई व्यक्ति थे जो सांसद में बोले थे कि जब यहाँ से हम लोग योजना पास करते हैं तो गांव के लोगों तक पहुँचते पहुँचते जैसे इन लोगों के तक पहुँचते पहुँचते कितना चार पैसा यानी कि एक रुपया में चार आना ही आ, आ जाएगी ना मानी एक रुपया में चार आना सर अगर निकल जाए तो वो समझिए काफी है आ, बाकी जो बारह आना वो गया कहा इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है तो हम बात कर रहे थे गांव के लोगों के बारे में की रहन सहन के बारे में आप देखिए कि ज्यादातर तो लोग हैं जो आ, अपने शरीर पर जो है कपड़ा नहीं रखे हुए हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा है ना हाई है हाँ ये। तो आप शर्ट पहनते ही नहीं है कि मतलब कि अभी न गर्मी के चलते न पहने देखिए एक दो तीन चार इधर आओ एक और कहा गया जी है चाचा है आँ पांच यानी कि एक संख्या में देखें तो कि कि ये लोग जो हैं बदन को ढके नहीं है इसका कारण है कि ये लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं देसी लोग हैं गांव में रहते हैं और गांव का जो है पेड़ का खुला हवा शरीर में जाना चाहिए है कि नहीं हाँ ये है अच्छा ए सी में अगर आप लोग को सुला दिया जाए तो नींद आएगा नहीं मुंडी नहीं सुतेंगे नहीं सुतेंगे पेड़ तो सुते नहीं सुतेंगे एसी में नहीं, रहें। नहीं रहेंगे कूलर में में भी नहीं रहेंगे रहे में भी नहीं रहे आप एसी में नहीं रहेंगे है ना तो आप अपने देसी अंदाज में रहेंगे है ना हाँ मिट्टी के साथ रहेंगे मिट्टी के साथ रहेंगे अच्छा आपके बारे में सुने कि आप पहले पहलवान थे पहलवान आज भी पहलवान है पहले भी पहलवान थे आज भी पहलवान है।, है अच्छा हाँ। हाँ। आज भी लड़ते हैं आज भी लड़ेंगे वो साथी जो मुखिया जी हैं वो हाँ। बताए थे मुखिया जी के लड़ाते थे उनको भी लड़ाते मुखिया जी के लड़ाते थे इधर आ जाइए आप यहाँ पर आइए आप यहाँ पर तब बातचीत करेंगे दोनों से बारी बारी से तो आप यहाँ हो जाइए चाचा तो आपको भी लड़वाते थे है ना देखिए हम जितने भी यहाँ पर भाई बंधु बैठे हैं ठीक है ना मैं बता दूं कि हमारा लगाव यहाँ पर क्यों इतना है हम क्यों मतलब मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हम आए और जीते भी क्यों जीते हैं इसका मेन कारण है मेन कारण क्या है कि हम यहीं पे जन्म लिए हैं और जब हाफ पैंट पहन, पहन करके आते थे हाँ। तो यहाँ पर दिखाया जाए यहाँ पर कैमरा मैन दिखाइए ये गड्ढा हो चुका है हाँ हाँ। नहर टाइप पे हो गया है हाँ। यहीं पर अखाड़ा बनता था अच्छा। हाँ अखाड़ा बनता था और अखाड़ा के मेन कोच ये थे और असिस्टेंट कोच ये थे ये? हाँ <laughs> ये और 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 इन्होंने हर एक संडे को पूरा दस कोस में डंका बजवा करके बुलवाते थे और लड़वाते थे तो इन्होंने हमको पकड़ लेते थे हाथ और लड़वाने का काम करते थे और हमने बीच अथी में, में जा करके खड़ा में जा करके हमारे चेला है है आपके चेला ना है चेला है हाँ और वो पूरा लड़वाने का काम करते थे आ, लड़, लड़ते थे पटकते थे पटकाते थे इसलिए हम यहाँ से जुड़े हुए हैं और मरते दम तक तो यहाँ पर रहेंगे और नहीं तो क्या है कि हम तो पटना रहते हैं लेकिन फिर भी हमने यहाँ आए इन लोग के दुख दर्द समझा और आज यहाँ जो बैठे हुए हैं ये पीपड़ का पेड़ बड़ का पेड़ ये एयर कंडीशन तो फेल ही है और यहाँ पर हम लोग भाई बंधु बैठ कर के मशुरा करते हैं कैसे आगे बढ़े ये लोग जैसे ही बोले कि हम एक को क्लास नहीं पढ़े हैं ये भी एक को कलम नहीं पढ़े हैं अरे पढ़ेंगे कैसे आ, इनके हाँ। पास संसाधन की कमी थी आप जानते हैं कि हम लोग का अधिकार नहीं था पढ़ने का वो तो बाबा साहब का देन है इसीलिए यहाँ पर प्रतिमा लगाया गया है कि भाई आप लोग कम से कम इनको देखो आप देख करके आपका अवसर नहीं मिला पढ़ने का तो कम से कम बाल बच्चे को बताओ इनके बारे में और बताओ ही नहीं एक सांझ कम खाएंगे एक जोड़ा कपड़ा कम पहनेंगे आप बच्चे को पढ़ाएंगे इसलिए लोग निर्णय लिया है कि हम अपना कपड़ा अच्छा। एक सांझ कम पहनेंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे इसलिए लोग कपड़ा सही बात है सही है पढ़ाने के फेड़ में है ये लोग ये सही बात जैसे मैं बता रहा हूँ इन लोग से पूछे हैं। हाँ अच्छा ये बताइए की अब तक आप कपड़ा के कौन कौन सा ब्रांड के नाम जानते हैं? हाँ। कपड़ा का ब्रांड ना जाने हाँ। कोई नाम नहीं कपड़ा के जाना ही। हाँ। वो सूती के कपड़ा जानते हैं सूती के कपड़ा जानते हैं बाकी कौन सा कंपनी का कौन ब्रांड होता है ये नहीं जानते जिसको आज लोग ब्रांड बांटे हुए हैं ना सूती के जानते हैं जानते, जानते हैं बाकी ब्रांड कोई नहीं डायमंड नहीं चलेगा रेमंड के नाम लिए हैं वो जानते हैं रेमंड डायमंड नहीं चलेगा चलेगा सिर्फ सूती और देसी देसी चलेगा अच्छा एक बात और बताइए हमको कि जब आप लोग अखाड़ा चलाते थे आज समय इतना बदल गया आपका अखाड़ा बंद क्यों हो गया जमाना खराब के चलते बंद जमाना खराब हाँ अब लोग काफी बदल गए

यही देसी जो है एसी ए सी है हम लोग घामा ने कमाने वाले हैं मेहनत करने वाले हैं मजदूर हैं और एसी ये, हम लोग का कहाँ से होगा यानी कि आप लोगों ने अब ये भी बीरा उठा लिया कि अपने कम खाएंगे कम कपड़ा पहनेंगे लेकिन बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे है ना ठीक एकदम हाँ जी हाँ। बहुत बढ़िया है बहुत खुशी की बात है ये चाचा जी हैं आपका क्या नाम हुआ विजेंद्र पासवान कपड़ा नहीं पहने <laughs> बहुत गर्मी है गर्मी लगता है यहाँ दम ए सी से दम बढ़ के है ना ए सी से बढ़ के पीपल के पेन बढ़ के पेन है, है की हाँ, बहुत अच्छा लगती आता है, है।, आ आता है।, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया यहाँ दम दम आना जरूरी है घर में तो एक दम मन नहीं लगे घर में पेड़ लगाना भी लोग बहुत कम हाँ 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 तो बारिश कम हो रहा है अभी चाचा बोले बारिश कम हो रहा है जिसका कारण ये है कि पेड़ लगाना लोग कम कर दिए हैं ये पेड़ अब देखिए ये पेड़ जो है हाँ ये सालों पुराना कितना साल पुरानी पेड़वा होगा बहुत दिन कोई याद उनके जन्म के पहले के? आपके भी जन्म के पहले के बहुत की के बाबू दादा के जन्म से पहले आपके बाप दादा के जन्म से पहले पहले बाप दादा के जन्म से पहले पेड़ देखिए सोचिए पेड़ है बहुत दिन का पेड़ है आपका डा, बाल दाढ़ी पक गया लेकिन पेड़ का बाल दाढ़ी नहीं पका एकदम नहीं पका। देखिए हरियर पत्ता कैसा है सोचिए जरा तो ये स्थिति है गांव के लोग से भी बातचीत कर रहा था सरकार की योजना मिलता है कि नहीं आप लोग का कुछ मिलेगा कुछ सब तो सब खा जाता है ऊपर ही का मिलेगा सरकार को अच्छा काम करते हैं देखिए है। मुखिया जी तो दम बनाए एकदम बना, एक बना दिए और बाबा अंबेडकर तो साहब के मूर्ति बना दिए चबूतरा हैं बोल नहीं 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 तो नहीं फिर बनवाने के लिए काम करेंगे यहाँ तो पर बनाएंगे फिर गाँव में अति जल योजना बनाएंगे है हाँ हाँ एक खुशी है हम लोग तो बाकी आपको क्या कुछ कहना है आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज चित्रंजन कुशवाहा के साथ एक गांव से नमस्कार जय हिंद जय भारत जय बिहार